राजनीति की थोड़ी भी समझ रखने वाला हर वो शख्स इस बात से वाकिफ है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक और समाजवादी राजनेता राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानते हैं। लोहिया के पथ पर चलते हुए ही मुलायम सिंह यादव ने सियासत में अपना वो मुकाम बनाया है जिसे पाना हर किसी राजनेता का सपना होता है। हम ये भी जानते हैं कि खुद राम मनोहर लोहिया को भी मुलायम सिंह यादव से बेहद खास लगाव था। तो चलिए आज हम लोहिया और मुलायम की एक ऐसी कहानी आपको सुनाते हैं जो अपने आप में बेहद रोचक है। मुलायम सिंह यादव आज देश के कद्दावर राजनीतिक हस्तियों में शुमार हैं। मुलायम सिंह यादव का पूरा कुनबा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद सक्रिय है। मुलायम के कुनबे के कई लोग सांसद और विधायक जैसे उच्च स्थान पर आसीन हैं। मुलायम सिंह के पास आज करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब मुलायम सिंह यादव के पास पैसों का भारी अभाव था। एक वक्त ऐसा भी था जब मुलायम सिंह यादव के खाने पीने का बंदोबस्त पार्टी के कार्यकर्ता ही किया करते थे। ये कहानी उसी दौर की है। मौका था 1963 फरुखाबाद सीट से लोकसभा सीट के उपचुनाव का। मुलायम सिंह अपने साथियों के साथ प्रचार में जुटे हुए थे। ये वो दौर था जब मुलायम सिंह यादव का नाम बड़े नेताओं में शुमार होने लगा था। आर्थिक हालात उनके चाहे जैसे रहे हों, लेकिन सियासत में उनका लोहा बड़े नेता तक मानने लगे थे। ऐसे ही माहौल के बीच एक बार विधुना विधानसभा में राम मनोहर लोहिया मुलायम से रास्ते में टकरा गए। लोहिया ने मुलायम से पूछ लिया कि प्रचार के दौरान क्या खाते हो और कहां रहते हो। लोहिया के सवाल पर मुलायम ने कहा कि वो अपने साथ लैया चना रखते हैं, बाकी और लोग भी उन्हें थोड़ा बहुत खाने को कुछ दे देते हैं और जहां रात होती है उसी गांव में वो सो जाते हैं। मुलायम सिंह यादव की इसी बात को सुनकर राम मनोहर लोहिया ने 100 का नोट निकाला और मुलायम के कुर्ते की जेब में रख दिया। उस दौर में 100 रुपए बेहद मायने रखते थे। बस इसी एक घटना के बाद मुलायम सिंह यादव नेता और आदर्श उनके लोहिया हो गए। डेस्क रिपोर्ट, द भारत टीवी।